बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टर्न मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं स्टर्न मीडिया शुरू चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं रिजल्ट की तरफ धीरे धीरे जो है कि वह काम बढ़ रहा है। और जो आपके कॉपी की कोडिंग की जो फर्स्ट प्रक्रिया होती है, पहले कोडिंग फिर जाकर के कॉपी चेकिंग, तो कोडिंग की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। अब आपके पार्ट 3 की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। देखिए दरोगा बहाली के लिए आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर रिजल्ट यदि जल्दी नहीं आता है तो दरोगा बहाली जो है कि वह छूट जाएगा। तो दरोगा बहाली के ऊपर भी हम बात करेंगे, रिजल्ट के ऊपर भी आप अंतिम क्षण तक बने रहे। आज के जो है कि दैनिक जागरण ने रिपोर्ट किया है कि पार्ट 3 की कॉपियों की जो है कि वह कोडिंग लगभग पूरी हो गई है। कल से जो है कि पार्ट 3 के कॉपी की जाँच की प्रक्रिया जो है कि वह शुरू हो जाएगी। जचेंगे कॉपी कल से, आप देख पा रहे बिहार विश्वविद्यालय में थोड़ी सी पार्ट 3 कॉपियों की कोडिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सब कुछ ठीक रहा तो गुरुवार से करीब 3.5 लाख से अधिक जो कि आंसर शीट है, अलग अलग पेपर्स, 5 पेपर हुआ ना आपका, देख पा रहे पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जो है कार्य शुरू हो जाएगा। इसके लिए पहले विश्वविद्यालय की ओर से मूल्यांकन केंद्र का निर्धारण व मूल्यांकन निदेशक की नियुक्ति की जा चुकी है। दूसरी ओर परीक्षा विभाग की ओर से परीक्षाओं की सूची तैयार कर लिया गया है, इसे जल्द ही मूल्यांकन, देख पा रहे मूल्यांकन निदेशक को सौंपा जाएगा। बता दें कि बुधवार को मूल्यांकन केंद्र पर कॉपी भेजी जाएगी, इसके बाद मूल्यांकन कार्य शुरू हो जाएगा। तमाम स्टूडेंट आज बुधवार है, जहां पर भी आपके कॉपी चेक होनी है और जो स्टोर है बिहार विश्वविद्यालय का जहां पर कॉपी स्टोर करके रखे जाते हैं, वहां से आज मूल्यांकन केंद्र 2 बनाया गया है, वहां पर कॉपी चेक करने के लिए आज भेजी जाएगी। क्योंकि मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं भेजी जाएगी बोल रहा हूँ, शाम हो गया होगा, आप शाम को वीडियो देख रहे होंगे या कल हो करके, तो फिर आपकी कॉपी जो है कि वहां पर सेंटर पर पहुंच गई होगी चेक करने के लिए। आप देख पा रहे हैं विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया कि सबसे पहले कम संख्या वाले विषयों की जांच होगी, साथ ही जीएसई कॉपियों की जांच भी चलेगी ताकि निर्धारित समय पर रिजल्ट जारी किया जा सके। ऐसे में उर्दू, पर्शियन, संस्कृत जैसे विषयों की जांच सबसे पहले की जानी है, इसके बाद कॉमर्स की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हो सकती है। दूसरी ओर 4 वर्षीय स्नातक जो कि 23 से 27 वाला है, उनके सेकेंड सेमेस्टर की कॉपियों की जांच भी चल रही है। पार्ट 3 व सेकेंड सेमेस्टर की कॉपियों की जांच करने वाले परीक्षक एक ही है। ऐसे में देख पा रहे सेकेंड सेमेस्टर में अगर इन विषयों का मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया है तो परीक्षकों को पार्ट 3 के मूल्यांकन केंद्र में लगाया जाएगा, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं। अब चलिए यहां पर देखते हैं। देखिए अब जो पार्ट 3 का रिजल्ट तैयार होगा, तमाम स्टूडेंट थंबनेल ये वाला है आपका, पार्ट 3 का रिजल्ट तैयार होगा तो रिजल्ट धीरे धीरे सब्जेक्ट वाइज जारी की जाएगी। 20 से 23 के पार्ट 3 के छात्र छात्राओं के साथ ऐसे हुआ था कि कुछ सब्जेक्ट के रिजल्ट 28 अक्टूबर 2023 को जारी कर दिया गया। कुछ सब्जेक्ट जैसे उर्दू, बंगाली, पर्सियन, कैसे कहा जा रहा है, कम विषय वाले की कॉपियों की जांच पहले होगी और साथ में जीएस की भी कॉपियों की जांच होगी, ताकि जो कि कॉपी चेकिंग प्रोसेस जैसे ही जो सब्जेक्ट का खत्म हो उनका रिजल्ट तैयार किया जाए और धीरे धीरे रिजल्ट भी जो है कि वेबसाइट पर जारी कर दिया जाए और उधर कॉपी भी चेक होता रहे। तो वैसे ऑनर्स सब्जेक्ट या वैसे जनरल कोर्स करने वाले छात्र छात्रा जिनमें छात्रों की संख्या कम है उनके रिजल्ट पहले आएंगे पिछले साल की तरह। अब रहा बात कि सर दरोगा बहाली का क्या होगा, देखिए सच तो यह है कि अगर दरोगा बहाली की नोटिफिकेशन कल जो आई है ना कि 80,000 जो है कि पुलिस कर्मी की बहाली के लिए जल्द नोटिफिकेशन आने वाली है, जो कि मैंने वीडियो बनाया था ये वाला, आप देख पाए 78,000, तो यह बहाली का नोटिफिकेशन यदि नवंबर में आ जाती है, नवंबर में आ जाती है और लास्ट डेट दिसंबर लास्ट तक फॉर्म भरने का न रखा जाता है तो फिर दरोगा बहाली यदि इसमें आती है तो वैकेंसीज छूट सकती है। लेकिन यह 78,000 पुलिसकर्मी की बहाली यदि दिसंबर में आती है और आवेदन करने की अंतिम तिथि दिसंबर लास्ट या जनवरी तक रहेगी तो ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी पोस्ट के लिए बहाली आएगा इसमें तमाम स्टूडेंट 21 से 24 वाले आप अपियर हो पाइएगा। लेकिन नवंबर में ही यदि वो बहाली आ जाती है और 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर ही फॉर्म भरने की जो है कि पूरी प्रक्रिया रखी जाती है, तिथि वगैरह, तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो ले देकर के मामला ये है कि ऊपर वाले से यही गुजारिश किया जाए कि ठीक है साहब, मन ऐसा किया जाए सरकार का कि दरोगा वाला बहाली जो है कि लेट वगैरह करते करते दिसंबर तक दे ताकि हम 21 से 24 वाले उस परीक्षा में बैठ सके, उसका फॉर्म भर सके। रिजल्ट दिसंबर में ही आएगी, अब दिसंबर लास्ट भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है। आप लोग इस चैनल से अपडेट रहिएगा,
अगर वैसा सब्जेक्ट जिसमें छात्र छात्राओं की संख्या बहुत कम है, जैसे कैसे उर्दू हो गया, मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, बंगाली हो गया, पर्सियन हो गया, जो कि एक LSW है, ये सब सब्जेक्ट, तो ये सब सब्जेक्ट का कॉपी तो 10 दिन में 8 दिन में जो है कि सबका चेक हो जाएगा, तो इनका रिजल्ट जल्दी भी आ सकता है। लेकिन आर्ट्स के या साइंस के वो सब्जेक्ट जिसमें छात्र छात्राओं की संख्या अधिक होती है, उनके रिजल्ट में जो है कि वह देरी होगा, वह रिजल्ट दिसंबर तक भी जा सकता है। बाकी आप लोग शंस अपडेट रहिएगा, हम आपको पल पल की सारी खबर देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।